हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मैं हिमांशु मेरा यूट्यूब चैनल फैक्टॉक एफटी में दिल से स्वागत करता हूँ। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य की बात करें तो हम सभी का मन में कुछ अलग ही ख्याल आ जाता है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट की ज़्यादातर राज्य पहाड़ी इलाका से घिरा हुआ है। आज हम ऐसा ही एक राज्य का हिस्ट्री के बारे में जानेंगे जो कि एक हरा भरा पहाड़ और प्लेन इलाका से घिरा हुआ है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं हरियाली और बहुत ही शानदार राज्य असम की, जो 78,438 स्क्वायर किलोमीटर इलाका में फैला हुआ है। असम नाम आए थे अखम से, जिसका मतलब है असमान प्लेस, क्योंकि असम में कुछ हिस्सा पहाड़ी है और कुछ हिस्सा समतल है, इसीलिए इसको असमान प्लेस माना जाता है। और असम नाम आहोम नाम से भी आए थे बोल के जाना जाता है, जो आहोम लोग असम में करीब 600 साल तक शासन किए थे। आज हम इन्हीं आहोम राज के बारे में जानेंगे। वैसे तो आहोम राज का इतिहास बहुत लंबा है, मैं यहाँ कुछ आहोम राज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ, जो आप लोगों को एक भारतीय होने के नाते जानना बहुत ही जरूरी है कि आहोम लोग कैसे आए थे और कैसे रहा था इनका शासनकाल और इनका कैसे राज चलते थे, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप पूरी वीडियो को जरूर देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आहोम राज के बारे में फैक्ट वाइज डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। फैक्ट नंबर 1, आहोम राज्य की स्थापना एक ताई राजकुमार चाओलुंग चुकाफा ने किए थे, जो मोंगमाओ यानी कि आज की यूनान प्रांत चाइना से आए थे। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में आहोम साम्राज्य का प्रतिष्ठापन हुआ था, जहाँ आहोम राजाओं ने 1228 से लेकर 1826 तक यानी कि करीब 600 साल तक बहुत ही सफलतापूर्वक शासन किए थे। फैक्ट नंबर 2, आहोम इतना साहसी और पराक्रमी थे कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे ताकतवर मुगलों को आने से रोक दिए थे। मुगलों ने कई बार असम में अटैक किए थे और बार बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 3, अपनी मातृभूमि से सुकाफा की यात्रा के दौरान उन्होंने कई सारे टाई प्रमुखों से मिले थे और बहुत आम अनुरागियों से मिले थे, जहाँ 9000 लोगों के साथ सुकाफा ने असम की ब्रह्मपुत्र वैली में प्रवेश किए थे। उनका मेन साम्राज्य पहले अपर असम के ब्रह्मपुत्र घाटी हुआ करते थे, जिसका मेन उद्देश्य था कि नदी का किनारे में कृषि का अभ्यास करना और वहां राज्य का निर्माण करना। ताई लोगों ने यहां विस्तृत रूप से सामाजिक संगठन का गठन किए थे और नदी का किनारे में गीले चावल की खेती और जलविज्ञान जैसे कुछ आधुनिकीकरण कार्य में शामिल हो गए थे। फैक्ट नंबर 4, सुकाफा का कार्यकाल 1228 से लेकर 1268 तक था। वो अपने कार्यकाल में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते थे और 1253 में चराइदेव में, जो अभी असम के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ रहने का निर्णय लिया था और वहाँ पे अपना कार्यालय का भी निर्माण किए थे। फैक्ट नंबर 5, 16वीं शताब्दी में राजा सुहुंगमुंग के समय आहोम साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ था, जिसने राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। सुहुंगमुंग का कार्यकाल 1497 से लेके 1539 तक था। उन्होंने 1497 में स्वर्ग नारायण उपाधि धारण किए थे और उसके बाद के राजाओं को स्वर्गदेव कहा जाते थे। फैक्ट नंबर 6, आहोम शासन के 600 सालों में कुल 39 स्वर्गदेव वंश के इतिहास में 3 पूर्वज राजा थे और बाद के सभी राजा इन 3 राजाओं का वंशज थे। उन 3 राजाओं में थे सुकाफा, सुहुंगमुंग और सुपाटफा। सुकाफा जिन्होंने आहोम साम्राज्य की स्थापना की, सुहुंगमुंग जिन्होंने राज्य का क्षेत्रीय और राजनीतिक विस्तार किया था, सुपाटफा जिन्होंने राज्य पर शासन करने वाले तुंगखुंगिया राजाओं के घर की स्थापना की थी। फैक्ट नंबर 7, आहोम साम्राज्य में ताई आहोम पॉपुलेशन सिर्फ 10% थे और बाकी सब अलग अलग जाति के लोग आहोम संप्रदाय के हिस्सा बन गए थे एक प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रोसेस को कहते थे आहोमिकीकरण। 16वीं शताब्दी यानी कि सुहुंगमुंग के राज तक ये प्रोसेस चलता रहता था। फैक्ट नंबर 8, आहोम राज्य को 1401 में मोंगदुन सुन खाम नाम दिए थे, जिसको आसामीस में हुनर होफुरा बोला जाते थे और बाद में इसको ब्रिटिश ने असम नाम दे दिए थे। फैक्ट नंबर 9, राजा का नियुक्ति पात्र मंत्रियों से किया जाते थे, जिसको हम लोग अभी कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। उस समय 5 पात्र मंत्रियां थे, जैसे कि बुढ़ा गुहाई, बर गुहाई, बरपत्र गुहाई, बर बरुआ और बर फुकन। पहला 3 मंत्री यानी कि बुढ़ा गुहाई, बर गुहाई और बरपत्र गुहाई को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन दिया गया था। ये तीनों मंत्रियों को आहोम साम्राज्य का कुछ अलग अलग क्षेत्र दिया गए थे संभालने के लिए। बर बरुआ जिसको सेना के साथ साथ न्यायिक प्रमुख भी बनाया गया था और बर फुकन को आर्मी का कमांड इन चीफ दायित्व दिया गया था। फैक्ट नंबर 10, 14वीं शताब्दी के कुछ समय तक योग्य उम्मीदवार नहीं होने का कारण आहोम साम्राज्य में कोई राजा नहीं थे। फैक्ट नंबर 11, आप जान के हैरान होंगे कि पात्र मंत्रियों ने अस्वीकार्य राजाओं को यानी कि जिस राजा पर कुछ दोष पाया जाते थे उन राजाओं को हटा सकते थे
और उनको फांसी दिया जाता था नया राजा द्वारा। 17वीं शताब्दी में एक सत्ता संघर्ष और सिंहासन के दावेदारों की बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप राजाओं को उत्तराधिकारी से हटा दिया गया था, जिनमें से सभी को नया राजा के बाद मार दिया गया था। इस खूनी अंत को रोकने के लिए चुलीकोफा लोरा राजा के शासनकाल में एक नया नियम लागू किया गया था कि सिंहासन के दावेदारों को शारीरिक रूप से निर्दोष होना था। इसका मतलब एक महत्वाकांक्षी राजकुमार के कान काटने से ही सिंहासन के लिए खतरा को दूर किया जा सकता था। फैक्ट नंबर 12, अहोम राजाओं ने उसका शासनकाल में प्रजाओं के लिए पाइक प्रणाली का शुरुआत किए थे और 1601 में मोमाई टामोली बोरवा ने इस प्रणाली का मॉडिफिकेशन किए थे। इस प्रणाली के तहत 15 से 50 साल की उम्र के कोई भी व्यक्ति अपने साम्राज्य का मालिकाना जमीन पर खेती करने के लिए उनको उसके बदले में राज्य का कुछ काम पे शामिल होना था। 4 मेंबर पाइक्स का एक ग्रुप बनाए जाते थे जिसको गट बोला जाते थे और हर गट के एक मेंबर को राज्य का पब्लिक वर्क्स जैसे कि रास्ता निर्माण जैसा कार्य में लिप्त होना पड़ता था और बाकी मेंबर्स को अपनी खेती देखभाल करने के लिए बोला जाता था। युद्ध के समय इन गट्स को सेना में शामिल किया जाते थे और इनको युद्ध में दाते रहने के लिए प्रशिक्षण दिया जाते थे। पाइक प्रणाली में मध्यकालीन आसाम की अर्थव्यवस्था निर्धारित थी। ये प्रणाली अहोम के अलावा मणिपुर जयंतिया कछारी राज्य में भी लागू किया गया था। फैक्ट नंबर 13, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अहोम रानियों ने भी राज्य के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें आधिकारिक तौर पर कुछ नामों से जाना जाते थे, जैसे कि बर कुंवरी जिसको मुख्य रानी बोला जाते थे, पर्वतिया कुंवरी, रायदोंगिया कुंवरी, तामुली कुंवरी आदि नाम से जाना जाते थे। शिवसिंह ने अपने कार्यकाल में 3 रानियों को अपना राज्यभार संभालने के लिए दिए थे, फुलेश्वरी कुंवरी, अंबिका कुंवरी और अनादरी कुंवरी। उन्हें बौर राजा कहते थे। कुछ रानियों ने तो राजा के डेथ के बाद या राजा को हटाने के बाद भी राज्यभार संभाले थे। फैक्ट नंबर 14, अहोम सेना की स्ट्रेंथ की बात करें तो सेना में घुरस सेना, हाथी सेना, नौ सेना और तोप सेना भी मौजूद थे और जो पाइक प्रणाली का शुरुआत किए थे अहोम राजाओं ने वहां से भी बहुत सारा सेना शामिल हुए थे। इन सभी को युद्ध में डटे रहने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण दिया जाते थे सेना के प्रमुख के द्वारा, जिसको बर्फुकन कहलाते थे। फैक्ट नंबर 15, अहोम साम्राज्य को कई बार अलग अलग संघर्ष का सामना करना पड़ा था, जैसे कि कोच अहोम संघर्ष, अहोम मुगल संघर्ष और लास्ट में अहोम ब्रिटिश संघर्ष, लेकिन सबसे ज्यादा अहम संघर्ष था अहोम मुगल संघर्ष। कुछ अहोम संघर्ष 1543 से लेकर 1568 तक ब्रह्मपुत्र घाटी का नियंत्रण को लेकर अहोम और कोच साम्राज्य के बीच में हुआ था। यह संघर्ष कोच राजा नरनारायण सत्ता में आने के बाद पश्चिमी हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ साथ शुरू हुए थे और इसका अंत हुए थे बंगाल के रूलर सुलेमान कुरानी के खिलाफ वीर सिलाराय अभियान के विफलता के साथ। वीर सिलाराय नरनारायण के 3 भाइयों में से सबसे छोटे भाई थे और नरनारायण के बाद वो राजा बने थे। वीर सिलाराय के इस विफलता के बाद कोच और मुगल के बीच में एक समझौता के दौरान मित्रता बन गई थी और अहोम और मुगल के बीच में युद्ध का शुरुआत हुए थे। फैक्ट नंबर 16, मुगल साम्राज्य उस समय एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य हुआ करते थे। मुगल ने अहोम साम्राज्य पर 1615 से लेके 1682 तक कुल 18 बार अटैक कर दिए थे और उनको 17 बार हार का सामना करना पड़े थे। मुगल ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में कृषि प्रधान भूमि के लिए और नदी का थ्रू पूर्वी एशिया तक अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वो लोग अहोम पर अटैक कर दिए थे। फैक्ट नंबर 17, अहोम और मुगल के बीच में युद्ध शुरू हुए थे 1615 बैटल ऑफ समुद्रा से लेकर 1682 बैटल ऑफ इटाकुली तक, लेकिन सबसे ज्यादा अहम युद्ध थे बैटल ऑफ सरायगा जो 1671 में शुरू हुआ था और ये युद्ध इतना भयंकर था कि ये असम का हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा युद्ध जाना जाता है। फैक्ट नंबर 18, 1660 में औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल के सूबेदार नियुक्त किया था और असम में अटैक करने के लिए बोला गया था। मीर जुमला ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ 1661 में अहोम सेना का ऊपर अटैक कर दिए थे और कम सेना होने का कारण अहोम को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था और मुगल ने अहोम कैपिटल गढ़गांव जो अभी शिवसागर में है अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन आतानु बरगोहाई की दोगा युद्ध ने और असम के बारिश ने मुगल के बीच कम्युनिकेशन लाइन काट दिए थे और मीर जुमला के लिए असम में मुगल शासन को मजबूत करना असंभव हो गया था। जयद्रथ सिंह द्वारा किया गया एक समझौता के दौरान मुगल शासन का अंत हुआ था, लेकिन मुगल ने फिर अटैक करने के लिए संकल्प लिए थे। फैक्ट नंबर 19, अहोम और मुगल के बीच में लास्ट सबसे भयंकर युद्ध हुआ था 1671 में, जिसको हम लोग बैटल ऑफ सरायघाट नाम से जानते हैं। औरंगजेब ने 1667 में राजा राम सिंह को एक बहुत ही पावरफुल और बृहद सेना के साथ गुवाहाटी में अटैक करने के लिए बोले थे और उस समय अहोम सेना का नेतृत्व निभाए थे राजा चक्रधर सिंह के सेनापति लाचित बरफुकन ने। लाचित बरफुकन ये बृहद सेना को देख के रो पड़े थे और बोले थे कि मेरा देश
मेरे नेतृत्व के दौरान इस भीषण तबाही का सामना करना पड़ रहा है। मेरे राजा को और मेरे साम्राज्य को कैसे बचा पाएंगे? लचित बोरफुकन ने युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और सेनाओं को उपयुक्त रणनीति सिखाना, भोजन और सेना की बढ़ोतरी करना और नए किला का निर्माण आदि कार्यों में लिप्त हो गया था। मुगल सेना की ताकत और कमजोरी का बोझ लेके लाचित ने युद्ध की तैयारी की थी। उन्होंने मुगल सेना की ताकतवर सेना खुरसवर सेनाओं के लिए गुवाहाटी का मिट्टी को माडी बना दिए थे, जो सेना का गति को रोक सकते थे, और कमजोरी नौसेनाओं के लिए एक ताकतवर नौसेना के साथ साथ रातों रात गढ़ का निर्माण किए थे, जो नौसेनाओं को हरा दिए थे। इसके अलावा और कई सारे युद्ध के रणनीति खेल के फाइनली अहोम ने लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में जीत हासिल की थी। युद्ध के समय लाचित बोरफुकन कुछ बीमारियों से जूझ रहा था, लेकिन लाचित बोरफुकन की कूटनीतिक राजनीति ने मुगल को धुआं धुआं दिखा दिए थे और इस युद्ध में मुगल को हार का सामना करना पड़े थे और मुगल का नॉर्थ ईस्ट का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गए थे। फैक्ट नंबर 20, 1817 से 1826 के बीच में असम में बहुत बार बार्मीज बोल के एक जाति ने ब्रिटिश के साथ मिलके असम के लोगों को बहुत लूटपाट किए थे और असम से भगा दिए थे, और लास्ट में यानी कि 1826 में यानदाबू समझौता के दौरान बार्मीज और ब्रिटिश मिलके असम को अपने कब्जे में ले लिए थे। अहोम राजाओं ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे शानदार आर्किटेक्चर बनाए थे जो अभी का शिवसागर में मौजूद है। उनमें से कुछ थे रंग घर, कारेंग घर, तलातल घर, देवी डोल, शिवदोल आदि। मैं इन आर्किटेक्चर के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। तो यही थी दोस्तों अहोम राज के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।